देख सकते हैं पब्लिक काफी सुंदर सुंदर कन्याएं यहाँ हेलो 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 काफी फैन फॉलोइंग हमारी गढ़वाल में। सो गाइस अभी हम कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में खड़े हैं और हमारा पीछे इस साइड आप देख सकते हैं इस साइड यह गढ़वाल रूट है और जस्ट इसी के पीछे इस साइड हमारा कुमाऊं लग जाता है। इस एंड से हमारा कुमाऊं लग जाता है और इसी एंड से हमारा गढ़वाल। So finally guys we are going to Pete Sand मेला हम आज जाने वाले हैं। वीर चंद सिंह गढ़वाली के द्वार में हम आज जाने वाले हैं और आप सी का रोड एंड भाई काफ़ी शानदार भाई एकदम बढ़िया सी रोड आप देख सकते हैं हमारा सिंह मंदिर साइड है और इसी तरह हमारी जो हमारा जो स्कूल था अच्छा ये साइड है एंड सिंह मंदिर और हम पहुंच चुके हैं चंद्रगुप्त नगरी में और ये कुछ यहाँ पर गैराज है यही सब स्कूटी का काम कराया था और अब हम निकल रहे हैं। तो भाई फाइनली हम सुरमौली पहुंच चुके हैं और निकल रहे हैं धीरे धीरे अंदर। आज मेले आपको हम मेला दिखाएंगे जो हमारा मेला है भाई पीठ चंड का मेला गढ़वाल कौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं को मिक्सअप करता है यह मेला और उसमें काफ़ी कुमाऊं के लोग भी जाते हैं काफ़ी हमारे गढ़वाल के लोग भी आते हैं काफ़ी सारी घुमाने लगती हैं मेरे भी मुख्यमंत्री भी आते हैं इस बार आए हुए नहीं आए आई डोंट नो बट जब मैं लास्ट टाइम गया था तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे को तो चल रहे हैं निकल रहे हैं धीरे धीरे और इस साइड में छोटे भाई क्या हाल चाल और इस साइड में बादल फटा हुआ था ये कुछ टाइम पहले और आप देख सकते हैं रोड का हाल भाई इतना गंदा हो रहा ये बादल फटने के कारण है पूरी रोड बह गई थी और अब आप देख सकते हैं रोड और अभी काफ़ी ऐसी ऑफ रोडिंग करनी है हमने और तो निकल तो भाई हम पहुँचते हैं हम सवैया पहुँचने वाले और सवैया अराउंड 9 किलोमीटर देगा से है और हम पहुँचने वाले हैं सवैया से 15 मिनट में और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आज काफ़ी शानदार हमारा देगा है इसके लिए फेमस है और कहाँ पर बचा हुआ है और क्या एंड है क्या मिस्ट्री है। तो गाइस अभी हम कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में खड़े हैं और हमारा पीछे इस साइड आप देख सकते हैं इस साइड यह गढ़वाल रूट है और जस्ट इसी के पीछे इस साइड हमारा कुमाऊं लग जाता है। इस एंड से हमारा कुमाऊं लग जाता है और इसी एंड से हमारा गढ़वाल स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं हम कितने अमेजिंग देघाट से अराउंड 9 किलोमीटर हमारा कुमाऊं और गढ़वाल का जो सीमा है वो है और यह सीमा है आप जहाँ पे जिस एरिया पे खड़े हैं यह सीमा है कुमाऊं और गढ़वाल। सो हल्की सी वाटर क्रॉसिंग और फाइनली हम पहुँच चुके हैं सवैया काफ़ी भाई एकदम डेंजरस रोड है और आप गड्ढे से भाप रहे होंगे और ये हम पहुँच चुके हैं सवैया सवैया बिघाट से आऊँगे 9 से 10 किलोमीटर और अभी भी हम निकल रहे हैं डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है। ओ भाई अब हो गया सर शानदार हो भाई ये क्या है इतने सारी ओहो इतनी सारी भाई बकरियां ही बकरियां। चलो चलते हैं तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गढ़वाल की मेन रोड पे और यह जगतपुरी को कनेक्ट करती है और जगतपुरी अराउंड 100 मीटर है यहाँ से और निकल रहे हैं धीरे धीरे और जगतपुरी हम पहुँचने वाले हैं भाई काफ़ी ख़तरनाक ऑफ रोडिंग बिकॉज काम चल रहा था रोड का और डामर की तैयारी चल रही है तो सोलिंग वगैरह हो रही है तो आप पता ही है आपको सोलिंग में कैसी रोड होती है तो आप देख सकते हैं भाई काफ़ी शानदार और निकल भी हम पहुँच चुके हैं जगतपुरी और यू कैन सी द जगतपुरी मार्केट और हमारे सामने है जगतपुरी मार्केट
और आप देख सकते हैं जगतपुरी मार्केट जो हमारी पूरी अच्छी बड़ी अच्छी मार्केट है। वाह क्या स्वाद है। ओहो अच्छा कुछ बोर्ड लगा हुआ है। थोड़ा सा आपको आगे मार्केट दिखा के लेके आते हैं। हमारा कोई रूट हमारा ही है नहीं बट आपको मार्केट दिखा के लेके आते हैं। दोस्ती जनरल स्टोर जगतपुरी चौथान और ये स्पीड ब्रेकर बस मार्केट खत्म होती है। काफ़ी छोटी मार्केट है गढ़वाल की। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं। 1 किलोमीटर अराउंड ओनली है यहाँ से 1 किलोमीटर है और फिर स्टैंड हम पहुँचने वाले हैं और आप गाड़ियों का फेरा देख सकते हैं। काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई है। ओ भाई सो फाइनली गाइस इंतजार की घड़ियां खत्म और हम पहुंच चुके हैं। पिछले 3 किलोमीटर से गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और अब हम पहुंचने वाले हैं। जस्ट कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और आप देख सकते हैं भाई काफ़ी शानदार काफ़ी हमारे एरिया की भी काफ़ी गाड़ी आप देख सकते हैं। एक गाड़ी ये भी हमारे एरिए की है और बस निकल रहे हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है आप देखते रहिए बनते रहिए। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं खली शेड फीड स्टैंड और फीड स्टैंड मेला आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये देखिए आप पीछे साइड और ये कुछ इस टाइप का भाई काफी शानदार भाई कैमरे में कैद नहीं हो पा रहा है। मैं आपको स्विच करके काफी सब कुछ दिखा रहा हूँ यहाँ क्या क्या कितनी भीड़ क्या है। तो गाइस आप देख सकते हैं काफी शानदार यहाँ भीड़ भाई आप देख सकते हैं भाई काफी शानदार किधर मंच है किधर भीड़ है काफी भीड़ होती है इस टाइप और आप देख सकते हैं भाई पोखरा ब्लॉक वालों को सम्मानित करने का अगर्त करें भाई मुख्य अतिथि और आई डोंट नो कौन है कोई राणा वगैरह वगैरह नहीं कौन कौन जी है। और आप यहां से देख सकते हैं अभी भी लोग आ रहे हैं और काफी शानदार यह मेला बीरचंद सिंह गढ़वाली गेट है और काफी शानदार और आप देख सकते हैं यहां लोग भाई अपना सर्वोच्च बलिदान दिया भाई श्री भवन सिंह राणा को। सो फाइनली गाइस अब हम निकल रहे हैं शॉप वगैरह देखने जा रहे हैं और अब हम गेट से बाहर निकल चुके हैं और निकल रहे हैं धीरे आप पब्लिक आप देख सकते हैं धीरे धीरे आगे जाएंगे पब्लिक में जाएंगे पब्लिक एरिया में जाएंगे भीड़ में जाएंगे और फिर देखेंगे आगे को। ये देखिए आप यू कैन सी द पब्लिक। ओ भाई काफ़ी शानदार है और आप देख सकते हैं आज हमारे पहुंचे हुए हैं। हाय गाइस सो भैया आपको कैसा लगा यहाँ आके मेला? तो हम हर साल आते हैं ये हर साल इनका रिकॉर्ड रहता है हर साल आते हैं। अभी मिलते हैं आपसे जस्ट थोड़ी देर में। तो भाई अब हम निकल रहे हैं धीरे धीरे हम शॉप और हम निकल रहे हैं धीरे धीरे और ये कुछ इसी टाइप का हमारे देघाट टाइप का जो नमकीन वगैरह और ये हमारे देघाट के लोग आए हुए हैं यहाँ बेचने और अब निकल रहे हैं धीरे धीरे आगे को। और ये कुछ इस टाइप का खिलौने वगैरह भी इस साइड वहाँ काफ़ी चीज़ें इस साइड चाय छोला वगैरह वगैरह वगैरह। ओ भाई साउंड से आप पता लगा सकते हैं यहाँ की पब्लिक का और ये गढ़वाल और कुमाऊँ के लोग हैं भाई। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी बट आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी शानदार एक से एक हमारे लोग मिल रहे हैं हमें भाई साहब। अरे भाई
पब्लिक ही पब्लिक है भाई, जहाँ देखो वहाँ पब्लिक। हमारा पीट छांड का मेला कुमाऊँ और गढ़वाल के लोगों को कनेक्ट करता है, यह एक कनेक्ट करने का सहारा है। और बाकी आप देख सकते हैं उस साइड कुछ कल्चर प्रोग्राम चल रहे हैं, जिस साइड आपको टेंट का दिख रहा होगा। और बाकी आप देखो भाई काफ़ी शानदार, काफ़ी शानदार। हाँ यार ये बात भी कस्टम से सही में चले गए बात को कट गई। पब्लिक काफी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं हमारी गढ़वाल में भी, आप देख सकते हैं मंचूरियन। हमारे भेजी चाउमीन बना रहे, देखते हैं टेस्ट करते हैं भाई कैसी होगी क्या होगी। फाइनली गाइस चाउमीन आ गई है, अब देखते हैं टेस्ट करके और कैसी होगी। ये कुछ हेलीपैड है हमारे थैली स्टैंड का, पीट स्टैंड बोल सकते हैं, जहाँ ये जो जगह मेला लगा हुआ है जो पीट स्टैंड है। और यहाँ कुछ हेलीपैड है, ये देखो बड़े अक्षरों में एच दिख रहा होगा आपको। और काफ़ी सुंदर भाई ब्यूटी, एकदम हवा चल रही है और ठंडा, यहाँ बर्फ़ पड़ती है करीबन कमर से भी ऊपर तक की बर्फ़ पड़ती है, कितना फुट होता है मुझे नहीं पता, बट ये देखो काफ़ी शानदार है, देख सकते हैं आप यहाँ से कुछ का सीन है भाई, काफ़ी शानदार है। वादियों के शहर में हम आ चुके हैं,
ये खड़ी आरुण भाई तो फाइनली गाइज मेला हम देख के आ चुके और हम निकल रहे हैं दिघाट की ओर। भाई काफी क्राउड था, काफी भाई पब्लिक ही पब्लिक, जहां देखो वहां पब्लिक, और भाई काफी शानदार है भाई, एकदम गढ़वाल के लोग से कनेक्ट हुए, थोड़ा सा कुमाऊं के लोगों से कनेक्ट हुए भाई। मेला काफी शानदार, मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम जरूर आना, काफी शानदार मेला लगता है। और पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है दिघाट से अराउंड 23-25 किलोमीटर अराउंड यो हमारा पीठसेन है, और काफ़ी बीरचन सिंह गढ़वाली द्वार भी है वहाँ पे। मैं आपको, आपने देखा होगा वीडियो में, आपने देखा होगा यह किस ओर है, कहाँ पे है। सो फाइनली मेला से आ चुके हैं और गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं, हमारे आगे आरवन फाइव चल रही है और उसके आगे आप गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, हमारे पीछे भी गाड़ियाँ थी, इतनी गाड़ियाँ थी, गाड़ियों की लाइन ही लाइन भाई, एकदम पास लेने की जगह ही नहीं थी। और अब हम निकल रहे हैं और वादियों के नज़ारे आप देख सकते हैं भाई, जंगल ऐसे हैं कि भाई जगहों का नाम ही नहीं है। और ये हमारे सुरेश दा ने हमें पास दिया और अब हम निकल रहे हैं आगे को। सो फाइनली हम रिटर्न हो चुके हैं और आपको हम बार बार रूट दिखा के बोर नहीं करेंगे। सो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और जिनने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। सो गाइज थैंक यू एंड बाय बाय।